दोस्तों, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो बनाने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको भी पता करना है कि आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब दोस्तों ये तो है नहीं कि मैं आपका चैनल चेक करूंगा, मैं आपको बातें बताऊंगा कि अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते हो, अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, मैं जो गलती बताऊं आपके चैनल पर वो गलती आपको नहीं करनी है, और अगर वो गलती आपने कर दी है तो वो गलती आपको सुधार लेनी है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कॉपी क्रिएटर क्या करते हैं कि वो इंस्टाग्राम से वीडियो को डाउनलोड करते हैं या फिर और किसी प्लेटफॉर्म से वीडियो को डाउनलोड करते हैं, और फिर उस वीडियो को वो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। उस वीडियो में वो कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं, मतलब कि अपनी कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, और वो यूट्यूब पर उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अब वो उस वीडियो को शॉर्ट में ही अपलोड करेंगे, तो वो शॉर्ट में अपलोड करेंगे तो उनके चैनल पर काफी सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, काफी उनके व्यूज आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, उनका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जाएगा और उन्हें यूट्यूब रीजन देगा रीयूज कंटेंट का। दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, तो उसे आप आज से ही बंद कर दो। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा करने की, तो उसे आप कभी भी मत करना। और दोस्तों कॉपी क्रिएटर क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े यूट्यूबर की लॉन्ग वीडियो में से कट लगा लगा के एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, और उस शॉर्ट वीडियो को वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अब दोस्तों अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो वो जो बड़ा यूट्यूबर की आप वीडियो कट कर रहे हैं तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। और दोस्तों अगर आपको उसने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया और अगर आपके चैनल पर 3 महीनों के अंदर अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। मोनेटाइज की तो दूर की बात है, आपका चैनल डिलीट ही कर दिया जाएगा। और अगर आपका चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा कोई यूट्यूबर तो आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि चलो हमारे चैनल पर तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा और हम हमारे यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर लेंगे, मतलब पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल मत सोचना, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आप एक बात और जान लो कि जब आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए अपने चैनल पर जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड सॉन्ग वाला। तो अगर आप एड सॉन्ग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहां से सॉन्ग यूज करते हो तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन से कहीं से बाहर से सॉन्ग लेकर उस शॉर्ट वीडियो में लगाते हैं और फिर उस शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम देखने के लिए मिल जाएगा। और जिस शॉर्ट वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है उस शॉर्ट वीडियो का YouTube आपको रेवेन्यू भी नहीं देगा, उस शॉर्ट वीडियो का सारा रेवेन्यू उसके पास जाएगा जिसका आपने सॉन्ग यूज किया है। लेकिन दोस्तों अगर आपने बाहर से भी नो कॉपीराइट सॉन्ग यूज किया है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, जब तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपीराइट वाला सॉन्ग यूज करते हैं कहीं से बाहर से तो आपको रेवेन्यू वो नहीं मिलेगा, वो सारा रेवेन्यू सॉन्ग वाले के पास ही जाएगा। अब दोस्तों देखो अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और उस शॉर्ट वीडियो में आपकी कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब कि आपकी कोई वैल्यू ऐड नहीं है, ना ही आपका फेस है, ना ही आपकी वॉइस है, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सीधी सी बात यही है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने चैनल पर जाकर देखो कि आपकी कुछ क्रिएटिविटी है या नहीं है आपकी वीडियो में, आपकी कुछ वैल्यू ऐड है या नहीं है। अगर आपकी कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं है तो आप समझ लो कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपकी शॉर्ट वीडियो में आपकी वैल्यू ऐड है
तो आपका चैनल मोनोटाइज हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों साफ साफ बात यह है, या तो आपकी वॉइस होनी चाहिए या फिर आपका फेस होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी नहीं है, अगर आप किसी का दूसरे का कंटेंट ही डाल रहे हो, तो आपका चैनल मोनोटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों आज की यही थी जानकारी, यही जानकारी मुझे आपको बतानी थी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस, जय हिंद।